हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 45 इंग्लिश की क्लास 8 की करेंगे। दिस इज जॉडी फोन। तो जॉडी देन वेंट टू द किचन। जो जॉडी है वो किचन में जाता है जब वो फोन को घर पे ले आता है। द फोन वॉक्ड आफ्टर हिम। जो फोन था वो भी उसका पीछा कर रहा था। द पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेड। जो मॉर्निंग मिल्क का पैन था वो कहाँ था? वो अभी भी किचन में सेफली रखा था। द क्रीम हैड राइज़न ऑन इट। और जो क्रीम थी वो ऊपर उठ चुकी थी। ही स्कीम द क्रीम इन टू द जग। उसने ऊपर से क्रीम को उठाया और जग में डाल लिया। ही पोर्ड मिल्क इन टू अ स्मॉल गोट। उसने एक छोटे से गोट टाइप में, छोटे से थोड़ा सा बाउल टाइप का था छोटा सा, उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क भर लिया। ही एल्ड इट आउट टू द फोन। और वो फोन के लिए ले गया। इट बटेड इट सडनली। तभी जो फोन था उसे स्मेल आती है मिल्क की। ही सेव्ड इट। वो उसे पकड़ लेता है मिल्क को। वो फैलने वाला होता है पर थोड़ा सा दूध फैल जाता है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड। इस वजह से थोड़ा सा मिल्क उसका कुछ नहीं कर सकता था। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क। अब वो क्या करता है, वो मिल्क की में अपनी फिंगर डालता है लड़का, और फिर उसका जो गीला मुंह होता है फोन का, उसके गीले मुंह के अंदर थोड़ा थोड़ा दूध उंगलियों में लेकर डालता है और वो उसे सक करने लगता है। वो उसे चूसने लगता है उसके हाथ से मिल्क को, बहुत लालच में। When he withdrew them, उसके बाद वो सारा खत्म हो जाता है। वो अपनी फिंगर डिप करता जाता है, डिप करता जाता है। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली। और इससे क्या होता है, एज लॉन्ग हैज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल द फोन वॉज कंटेंट। जो फोन था वो बहुत ही दुखी टाइप में था, पर वो अब थोड़ा थोड़ा उसे लग रहा था कि ये मेरे लिए सेफ है घर। तो ये सब हो रहा था। वो फोन बड़ी चिंता कर रहा था कि अब दूध धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इट क्लोज्ड इट आइज ड्रीमली। फिर उसे नींद सी आई, वो अपनी आंख बंद करके लेट गया। इट वॉज अकास्टी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हैंड। और उसकी जो हैंड के अगेंस्ट टंग थी उसे देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो अपनी टेल को आगे पीछे कर रहा था। और जो मिल्क था वो खत्म हो चुका था, और जो बचा हुआ मिल्क था उसमें बहुत सारे बबल्स टाइप के बन गए थे जिसको वो गगलिंग करके पी रहा था। अब आगे आपको कंप्लीट करना सेंटेंस। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स डैश स्टूड इन द किचन सेफ। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स बटर मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। जॉडी पॉट मिल्क इन टू अ स्मॉल गॉड। जॉडी सेव द मिल्क प्रकोशली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्विरल ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग। आज हम प्रेपोजिशंस के बारे में जानेंगे। तो प्रेपोजिशंस कुछ वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं, जो कि शो करते हैं कोई प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। तो आइए जानते हैं। तो आप ये बर्ड से, ये बर्ड की पिक्चर आपको गिवन है, आप इससे इनको जानेंगे। तो ऑन, ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर। इन मतलब किसी चीज के अंदर। ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर से। अंडर मतलब किसी चीज के नीचे। इसी तरह से फार मतलब बहुत दूर। जैसे एक ये बर्ड आप देख सकते हैं बहुत दूर है और एक इधर खड़ी है। नियर मतलब पास, जैसे आप और मैं पास है थोड़ा, इस तरह से। अप ऊपर, डाउन नीचे होता है। फ्रंट मतलब सामने होता है। बिहाइंड मतलब पीछे होता है। बिटवीन मतलब बीच में होता है। अराउंड मतलब आर पार ऐसे चक्कर काटते रहना। अपोजिट मतलब एक इधर आपने अपोजिट वर्ड भी सुने होंगे, दूसरे का उल्टा। थ्रू, थ्रू मतलब किसी के अंदर से या किसी के द्वारा। फर्स्ट पहला, लास्ट आखिरी, इस तरह से। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द बॉल। द डॉग जंप्ड ओवर द सोफा। ऋषि ड्रॉव डैश द ब्रिज। ऋषि ड्रॉव ऑन द ब्रिज। द थीफ जंप्ड ओवर द वॉल। द रिदीमा इज स्टैंडिंग बिटवीन रेखा एंड सुधा। माय बुक आर लाइंग इन द शेल्फ। द पेंटिंग इज ऑन द विंडो एंड द क्रॉइंस आर इन द बॉक्स। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को आप सभी बच्चे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर भी कर लेंगे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।